हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस इलेक्ट्रिक ब्लॉग्स। दोस्तों आज हम फिर से लूबी मोटर की असेंबलिंग दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों यह लूबी समरसेबल पंप है। दोस्तों इसी को समरसेबल पंप बोलते हैं। दोस्तों इसको हम इंस्टॉल करेंगे, फुल प्रोसेसिंग बताएंगे। आप मोटर में देख सकते हैं पूरा बायोडाटा दिख रहा है, सीरियल नंबर है। दोस्तों कितने एमपीए लेती है, 6.5 एमपीए लेती है, 240 वोल्ट चलती है, 1 HP की मोटर है, 8 स्टेज की है। इसमें जो पंखा लगा है वो 8 स्टेज का है, इसमें कोरा 4 लगा है। जो इन प्लेयर साइज होता है उसका उसको कोरा 4 बोलते हैं। दोस्तों ये अपनी बोरिंग मशीन है, ये बोरिंग हो रही है। दोस्तों मोटर टेप करने की बारी आई है, मोटर की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, देख लीजिए। दोस्तों टेप करने का वीडियो हम अपने चैनल पर डाले हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चाबी खोल दिए। दोस्तों पंखा, दोस्तों पंखा आसानी से बैठ गया है। इसमें 13 mm का नट लगेगा, 4 नट बैठा देंगे और 13 नंबर पाने से कस लेंगे अच्छी तरह से। दोस्तों ये लूबी पंप है, अहमदाबाद की मोटर है, बहुत ही अच्छी होती है। इसका प्राइस दोस्तों 9000 के आसपास है। दोस्तों हर स्टेट में मोटरों का अलग अलग प्राइस रहता है। और अलग अलग दोस्तों उसमें पंप भी लगता है और बड़ी मोटर भी रहती है। दोस्तों हमारे यहाँ 120 140 अगर बोर कर लेते हैं दोस्तों पानी बहुत रहता है, 30 फीट 40 फीट 50 फीट यहाँ तक। यहाँ हमारे यहाँ वाटर लेवल रहती है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ दोस्तों। हमारे यहाँ लेटेस्ट वाटर लेवल 90 फीट है सबसे ज़्यादा। दोस्तों इस जाल को इसको बटोर कर दोस्तों कस लिया जाता है। देखिए जाली हम कैसे लगा रहे हैं। दोस्तों ये नए मिस्त्री के लिए है, अगर आपको कोई भी समस्या आती है बोरिंग करने में, समरसेबल अगर पंप बनाते हैं तो उसमें अगर कोई समस्या आ रही है तो हमसे पूछ सकते हैं, जहां दिक्कत होगी हम उसको बताएंगे। दोस्तों ये देख लीजिए जाली कितनी अच्छी तरीके से बैठ चुकी है। दोस्तों इसमें टोल फ्री नंबर है 18000। दोस्तों कोई भी मोटर अगर नई आप ला रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है तो टोल फ्री नंबर पर आप कस्टमर केयर से बात करेंगे तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ब्यूटर के पास वो फ़ोन कस्टमर केयर करेंगे, उसके बाद आपकी समस्या का हल होगा। कोई भी दिक्कत आती है तो वो सर्विस सेंटर से आदमी भेजेंगे, इसीलिए टोल फ्री नंबर रहता है। दोस्तों ये अडाप्टर है, इसको कस लीजिए। दोस्तों इसको अच्छी तरह से कस लीजिएगा, नहीं तो ये लूज रहेगा तो गिर सकता है। दोस्तों लोहा का काम कोई भी करिए आप, बढ़िया से टाइट करिए। दोस्तों इसको हम 80 फीट अंदर लटकाएंगे बोरवेल में, 80 फीट। दोस्तों यहाँ पानी बहुत, 80 फीट में बहुत पानी देगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। जहाँ बोरिंग कर रहे हैं यहाँ 40 फीट वाटर लेवल है।
देख लीजिए दोस्तों, हम पाइप रिंच से कस रहे हैं, सलाई रिंच बोलते हैं। दोस्तों ये रिंच गिर गई, ज़्यादा ऊपर कस लिएगा दोस्तों, ये थोड़ा एडाप्टर टाइट है। दोस्तों एडाप्टर में ये कालम कसा जा रहा है, पारस कंपनी का कालम है। दोस्तों ये देखिए सपोर्ट वायर इसमें नहीं जा रहा है, सपोर्ट वायर काफ़ी मोटा है। अगर इसका प्लास्टिक हम हटा के तब डालेंगे तो दोस्तों कोई काम का नहीं रहेगा, वो पानी से मोर्चा खा जाएगा। उसमें डालें या ना डालें कोई महत्व तो नहीं रहता दोस्तों, तब प्लास्टिक सहित घुस जाते हैं दोस्तों, तब आप उसमें डालिए। दोस्तों आजकल तो वैसे प्लास्टिक का जो रस्सा चल रहा है, अब 1 हॉर्स पावर में कम से कम 10 mm यूज कर सकते हैं। दोस्तों वो नायलॉन की रस्सी होती है, बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छी होती है। दोस्तों वही ज़्यादा यूज करते हैं हम। देख लीजिए दोस्तों पूरे मोटर कंप्लीट हो गए है। ये केबल देखिए कैसे टेप मारा जा रहा है केबल में, ताकि कहीं कटे पीटे ना। दोस्तों ये बोरवेल में डालने की तैयारी हो चुकी है पूरी। दोस्तों ये 10 फीट चली गई, टेप मार लें थोड़ा से। दोस्तों ये टेप मार चुका है, मार लिए हैं। दोस्तों दूसरी पाइप की बारी आती है। दोस्तों हम थोड़ा सा फॉरवर्ड किए हैं ताकि वीडियो कम टाइम में पूरा दिखा सकूं। दोस्तों ये देखिए 20 फीट हो गए। दोस्तों तीसरी पाइप का नंबर है। दोस्तों ये बोरिंग में किसान शक्ति नीली वाली है दोस्तों, प्लास्टिक पाइप है दोस्तों ये। इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इसका सॉकेट बना रहे थे, बहुत बढ़िया सॉकेट बना था दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों यहाँ पर पानी पे बूट चुकी है ये मोटर। दोस्तों पूरी पाइप, जितनी पाइप जोड़े हैं पूरा वीडियो में दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये फिर आ गया जोड़, फिर से पाइप जोड़ा जा रहा है। हो गया दोस्तों। दोस्तों टेप मारना था, मार लिए टेप। थोड़ा सा हमको लगता है वीडियो स्किप हो गया है। दोस्तों ये देखिए टेप अभी मार रहा हूँ। दोस्तों फिर से दूसरा कॉलम
जोड़ा जाएगा। दोस्तों कंप्लीट हो, एक कॉलम अभी बाकी है। दोस्तों ये लगता है लास्ट पाइप है। दोस्तों एक पाइप और है, तो ये आठवीं पाइप हो सकती है। दोस्तों आप इस बोरवेल में डबल डिलीवरी कर सकते हैं, एक मोटर और एक हैंडपम्प के भी। दोस्तों ये वीडियो हमारे चैनल पर है, आप बाय करके आप देख सकते हैं हैंडपम्प में मोटर कैसे डालें। तो ये देखिए टेप मार दिया गया। दोस्तों कहीं भी वीडियो स्किप नहीं किए हैं, पाइप खुद ही भूल गए हैं। दोस्तों इसमें हम 90 फीट लोअर किए हैं। दोस्तों 40 फीट वाटर लेवल है, 90 फीट लोअर किया गया है। दोस्तों ये लास्ट पाइप हो गई, 90 फीट हो गया है। सॉरी दोस्तों 80 फीट नहीं है, 90 फीट है। दोस्तों इसका एडाप्टर क्लैंप यही सब दोस्तों सेट कर रहे थे, इसको दोस्तों कैमरे में नहीं दिखाया हमने, इसके लिए सॉरी दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों सब टाइट है फुल। ये भी टाइट हो गया है दोस्तों। दोस्तों इसमें बोर ही लगा देते हैं, बोर कैप नहीं है इसमें। जैसे इसमें गेट वाल लगाएंगे, टैंकी निप्पल लगाया हूँ। दोस्तों इसमें 1.25 इंची का कॉलम है, 1.25 इंची का एडाप्टर है। 16x16 दोस्तों इसमें लगाए हैं, 16x1 का एल्बो लगाए हैं। दोस्तों वैसे 16x1.25 का लगता है इसमें। दोस्तों आप फिटिंग भी कर सकते हैं, टंकी में पानी चढ़ाने के लिए 1 इंची का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया, 1 इंची लगा दिया हूँ। जैसे देखिए सपोर्ट वपोर्ट बढ़िया से बांधा जा रहा है। अब दोस्तों स्टार्टर में
दोस्तों ये देखिए स्टार्टर में कनेक्शन दिया जा रहा है, तीसरे पॉइंट में लाल वायर। इसमें दोस्तों कंडेंसर रहता है, कंडेंसर और लाइट का तार रहता है। दूसरे में पीला, चौथे पॉइंट में पीला रहता है, इसमें कंडेंसर लगे रहता है। पांचवें पॉइंट पे नीला रहता है दोस्तों, इसमें लाइट रहती है। और दोस्तों इसमें बिजली इनपुट करेंगे, फेज और न्यूट्रल। दोस्तों ये देखिए कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, इसको बनाकर बोर्ड में डालेंगे। इसमें दोस्तों प्लग लगाना चाहिए, अभी ट्रायल किए वैसे लगा रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं 200 वोल्टेज है। दोस्तों मोटर ऑन हो गई है, लेकिन इसमें 7 वोल्टेज बता रहा है दोस्तों, मगर ये पानी नहीं दे रही है। दोस्तों इसमें हमको लगता है मैन्युफैक्चरिंग का दिक्कत है। दोस्तों ये मोटर पानी नहीं दे रही है। दोस्तों अगला वीडियो हम बना के डालेंगे, जो दोस्तों इसमें रिप्लेस मोटर हमको मिलेगी। हम कस्टमर केयर से बात करेंगे, दुकानदार हमारे, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास फ़ोन जाएगा, उसके बाद वो अपना सर्विस सेंटर से आदमी भेजेंगे, उसके बाद ये रिप्लेस होगी। क्योंकि दोस्तों पेटेंट कंपनी है, अहमदाबाद की मोटर है, लोकल होती जल्दी बदल उठती। धन्यवाद दोस्तों।